प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। मैंने एक दो जोक्स से इसलिए आरंभ किया, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हमको लगता है कि मसीही जीवन में आनंद वर्जित है। ऐसा नहीं है। मसीही जीवन में फूहड़ तमाशे वर्जित हैं। प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है कि विश्वासियों को फूहड़ तमाशों में नहीं जाना चाहिए जो हमारे आत्म जीवन को नष्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो आनंद है वो हमको अलाउड है। और शास्त्री जी चूंकि मेरे विद्यार्थी रहे हैं तो मैं उनकी टांग खींचूंगा तो बुरा मानेंगे नहीं, बुरा मानने की उनकी हालत नहीं है मेरे सामने, तो इसलिए मैंने उनकी टांग देखी है। हम लोग एक बहुत गंभीर विषय का अध्ययन कर रहे थे और वो गंभीर विषय है 10 आज्ञाएं। प्रभु के वचन की जो 66 पुस्तकें हैं, इन 66 पुस्तकों में प्रभु का वचन हमको बहुतायत से मिलता है, लेकिन प्रभु का वचन जो हमको बहुतायत से मिलता है उसमें परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखकर मनुष्य को जो दिया है ऐसी बहुत कम चीजें हैं, बस 10 आज्ञाएं हैं। उसके अलावा परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं लोगों के मन में डाली थी, वो अलग है। प्रभु यीशु जब संसार में थे तब उन्होंने डायरेक्टली उनकी जो वाणी है जिसका पूर्ण रिकॉर्ड परमेश्वर ने हमारे लिए सुरक्षित नहीं रखा है जानबूझकर, लेकिन पर्याप्त रिकॉर्ड रखा है। जब परमेश्वर डायरेक्टली हमसे बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं और बोल सकते हैं और उनका जो इतना बड़ा वचन, 66 पुस्तकों का जो वचन है, वो जब परमेश्वर की वाणी है तब क्यों 10 आज्ञाओं को अलग से परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख कर दिया और वो भी कागज पर नहीं लिख के दिया, पत्थर की पट्टियों पर। हम जानते हैं पत्थर पर जो लिखा जाता है उसके बारे में ये माना जाता है कि वो आसानी से मिटता नहीं है, इसीलिए अपन हिंदी में कहते हैं पत्थर की लकीर, मतलब वो लकीर इतने जोर से, इतने बल के साथ और इतने मजबूती से डाल दी गई है कि उसको आप मिटा नहीं सकते। इस तरह से प्रभु ने पत्थर पर लिखकर दिया। जैसा मैंने याद दिलाया, ये 10 आज्ञाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 9 आज्ञाएं नैतिक जीवन से संबंधित, पवित्रता से संबंधित, और 1 आज्ञा यहूदियों के सामाजिक जीवन से संबंधित आज्ञा थी। आज जो माँ बाप यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बच्चे कई बार टीवी पर कोई कॉमेडी देख लेते हैं और उसकी कॉमेडी की नकल उतारते हैं तो हमको ऐसा लगता है देखा कितना प्यारा बोल रहा है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा
उस कॉमेडी को यदि नकल उतारता है तो उससे उसके आत्मिक जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसको फायदा होता है। दूसरी बात, जो बच्चा कॉमेडी को एक बार देखने के बाद उसका नकल उतार सकता है वो प्रभु के वचन को बेशक याद कर सकता है। और यदि हम प्रभु का वचन उससे याद करने को ना बोलें और यदि उसको प्रभु का वचन याद करने के लिए प्रेरित ना करें तो उस बच्चे को कितना नुकसान है ये जरा हम सोच लें। मुझे याद है आज से बहुत पहले शास्त्री जगवीर जी का जो चर्च है, मात्र चर्च है, जो प्रार्थना भवन कहलाता है, जहां भाई रणजीत प्रभु की सेवा करते हैं, जब मैं उस चर्च का सदस्य था और संडे स्कूल का अध्यापक था, तब एक बार एक बच्चे की माता श्री ने एक पर्चा भेजा। बच्चे ने आते ही वो पर्चा मेरे हाथ में दे दिया। उसमें माता श्री ने लिखा था, ब्रदर, बच्चा हफ्ते में एक पद याद करता है, उससे उसके मेमोरी पर बड़ा भार पड़ रहा है, और यदि हफ्ते में एक पद के बदले यदि आप महीने में एक पद कर दें तो अच्छा होगा। अगली बार मिले तो मैंने कहा कि बहन, चलो खैर है कि महीने में एक पद के लिए तुमने कहा, तुमने ये तो नहीं कहा कि जिंदगी भर में एक पद याद करने को बोले। इस बात को हम याद रखें कि हम लोग बड़े आराम से अपने बच्चों को तमाम चीजें याद करने देते हैं और याद करवाते हैं, लेकिन जब बाइबल के पदों को याद करने की बात आती है तब हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बाइबल के पदों को याद करने का महत्व हम लोग नहीं जानते। इसलिए आज फिर से मैं याद दिला दूं, प्रिय भाई बहन, अपने बच्चों को जरूर 10 आज्ञाएं याद दिला दें, याद करवा दें। और आज शास्त्री जी ने शुरू में जो कहा था वो मैं फिर से याद दिला के आगे बढ़ना चाहता हूं कि सभी लोग अपनी अपनी बाइबल, डायरी और पेंसिल लेकर बैठें। ये मेरा अनुरोध है कि डायरी, बाइबल, डायरी और पेंसिल लेकर बैठें और प्रभु के वचन से हम जो सुनते जाते हैं, सुनने के द्वारा जो प्रकाश हमको मिलता है उस प्रकाश को अपनी भाषा में लिखते चले जाएं, जिससे कि कल को हम उस भाग को जब दोबारा पढ़ेंगे तब आज जो प्रकाश मिला था वो उस दिन जो प्रकाश मिलेगा उसके साथ जुड़कर एक बड़ा सा आत्मिक प्रकाश हमारे जीवन में हो जाए। 10 आज्ञाओं में हमने पिछले हफ्ते ये देखा था, तू अपने माँ बाप का आदर करना, जिससे कि जो देश प्रभु तुमको देते हैं उसमें बहुत दिन रहने पाए। और मैंने ये बात याद दिलाई थी कि जब प्रभु का वचन बहुत दिन रहने पाए इस तरह से कहता है तो इस विषय से संबंधित पुराने नियम में जो अन्य बातें कही गई हैं उन सबको एक साथ जब अपन जोड़ते हैं तब एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए तो उसका मतलब यह है कि तू दीर्घायु हो, तुझे जीवन में समृद्धि मिले, तुझे परिवार में समृद्धि मिले और तुझे आत्मिक जीवन में समृद्धि मिले, समाज में तेरा आदर हो। हम अक्सर बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ एक हिस्सा पढ़ते हैं, उससे जुड़ी हुई बातें भी पढ़ना जरूरी है। और यदि हम अपने साथ डायरी रखने की आदत, पक्की आदत डाल लें, डायरी और पेन या डायरी और पेंसिल, तो ये आपस में जुड़ी हुई बातें धीरे धीरे हमारे मन में बैठने लगेंगी। और जब हम इन बातों का अध्ययन करेंगे किसी भी विषय का तो ये सारी जुड़ी हुई बातें हमारे मन में अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए प्रभु का वचन बच्चों को याद दिलवाइए, प्रभु के वचन का अध्ययन करते समय जो प्रकाश मिलता है उसको नोट करते चले जाइए। ये कहने के बाद आज निर्गमन की पुस्तक
20वें अध्याय के 13वें पद में आते हैं। बाइबल की जो सबसे छोटी आयत है या आयतें हैं उनमें से एक है तू खून ना करना। चार शब्द हैं, तू और ना यार छोटे शब्द हैं, इसलिए सच कहा जाए तो यहां सिर्फ तीन शब्द हैं, तीन शब्दों का एक पद है तू खून ना करना। हम मेरा अनुमान है कि इसे 100 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिस पद को हमने 100 बार पढ़ा है उसे 10,000 बार नजरअंदाज करते हैं। आप कहेंगे कि ब्रदर जॉनसन कैसी बात करते हैं, मैंने जिंदगी में मच्छर तक नहीं मारा है, मैं क्यों खून करने लगूं। पहली बात यह बता दूं कि मच्छर आपके हाथ में बैठा और आपने मच्छर को नहीं मारा तो आप ये गलत काम कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि जिंदगी में आपने कभी खून नहीं किया है, कोई हत्या नहीं की है, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु का वचन खून करने के बारे में अन्यत्र पुराने नियम में और नए नियम में जो जो बातें बोलता है उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। पुराने नियम ये जो निर्गमन लिखा गया था लगभग 1450 ईस्वी पूर्व, प्रभु यीशु से 1450 साल पहले निर्गमन लिखा गया था, उस समय प्रभु के वचन में ये जो आज्ञा दी गई थी तो खून न करना, इसकी व्याख्या की जिम्मेदारी लेवी गोत्र पर थी और लेवी गोत्र के लोग जब प्रभु के बच्चों के सामने इसकी व्याख्या करते थे तब इसका जो अति विशाल अर्थ है वो बता देते थे। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं तब बिना व्याख्या के ये जो चार शब्द हमारे सामने आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने कभी नहीं किया है। इस बात को ना भूलें कि खून मत करना, हत्या मत करना, किसी को मार मत डालना, इसकी व्याख्या निर्गमन, लेवी व्यवस्था, उसके अलावा खासकर अय्यूब की पुस्तक में, भजन की पुस्तक में, नीति वचन की पुस्तक में इस पद की डिटेल में व्याख्या की गई है। नए नियम में जब हम आते हैं तब प्रभु यीशु ने इसकी व्याख्या की है। आगे जब अपन रोमियो से लेकर आगे जब हम प्रकाशित वाक्य तक पहुंचते हैं इस पद की व्याख्या वहां पर विस्तार से दी गई है। हम कई बार इसको नजरअंदाज करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, याकूब की पत्री में लिखा है कि हमारी वाणी से किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। चोट पहुंचा के ही तो किसी को मारा जाता है, मार डाला जाता है, और चोट पहुंचाना उस व्यक्ति की हत्या है। इसको हम नए नियम में हमारी बोली के बारे में प्रभु का वचन जो जो कहता है उन सबको यदि हम एक साथ एकत्रित करके उनको समन्वित करके यदि पढ़ें तो हम इस बात को स्पष्टतया समझ लेंगे कि मनुष्य इवन अपनी बोली से दूसरे की हत्या कर सकता है। और इस कारण यदि इस पद को पढ़ने पर यदि आप कहें ब्रदर मैंने जीवन में कभी हत्या नहीं की है, ना हत्या के बारे में सोचा है और ना ऐसा मेरे द्वारा हुआ है, तो मैं आज आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं जिसके द्वारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जाने अनजाने हम में से कई लोग प्रभु के वचन में दूसरे का खून ना करना जो आज्ञा दी गई है, दूसरे की हत्या ना करना जो आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मैंने इसके पहले कई बार बताया था, ग्वालियर की यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद तुरंत बाद मैं उसी स्कूल में नौकरी पर लग गया था जहां मैंने हायर सेकेंडरी की थी।
यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह में तो उसके कई साल के बाद पहुंचा था। मैं हमेशा स्कूल के विद्यार्थियों को पसंद करता हूं। जब मैं मेरा जो फर्स्ट ईयर था उस स्कूल में, तो एक लड़का जो अति बुद्धिमान था, जो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता था, एक स्कूल खुलने के 3 महीने के बाद अचानक पता चला कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कैसे हुआ? मेरे क्लास में नहीं था, इसलिए मुझे डायरेक्टली मेरा उस विद्यार्थी से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे आके बताया कि जॉनसन सर, आपको मालूम है क्या, फलाना विद्यार्थी जो फलाने सेक्शन का सर्वोत्तम विद्यार्थी है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। सुन के बहुत दुख हुआ। जैसी मेरी आदत थी, मैंने माँ बाप को सूचना दी। उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, किसी चपरासी से कहलवा भेजा कि माँ बाप अगले ही दिन आके मिलें। और जैसे ही उनको खबर मिली, वे आए मुझसे मिले। मैंने पूछा क्या हुआ बच्चे को? वो बोले सर कुछ समझ में नहीं आता है, आज से 2-3 हफ्ते पहले जो बालक हमेशा खुशी खुशी जाता था, खुशी खुशी घर आता था, वो रोता हुआ घर आया। और उसके बाद तो हम उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, मनोचिकित्सक के पास, और उन्होंने तमाम तरह की दवाइयां वगैरह दी, और अब बच्चा पूरी तरह से लगभग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। कोई जवाब नहीं था क्या हुआ। मैंने माँ बाप से कहा, तुम लोग एक काम करो, परसों स्कूल खुलेगा लेकिन क्लास नहीं लगेंगे। महीने में ऐसे एक दिन आता था जब स्कूल खुलता था लेकिन क्लास नहीं लगते थे, तो उन दिनों मैं बिल्कुल फ्री अपनी लैबोरेटरी में बैठा करता था। मैंने कहा एक काम करो, परसों मैं फ्री हूं, और बेटे को भेज देना, बोलना कि तू जाके जॉनसन सर से मिल ले, सर तुझे डांटने डटकर डपटने के लिए नहीं बुला रहे हैं, सर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा था बिल्कुल उसके समान, वो बच्चा मेरे कमरे में आया। सुबह 12 से स्कूल चालू होता था, दोपहर को 12 से शाम को 5 बजे तक। मैं यूजुअली 11 तक पहुंच जाता था लैबोरेटरी वगैरह के कारण। वहां जाके बैठ के कुछ पढ़ रहा था, दरवाजे पर आवाज सुनाई दी, आने को बोला, तो वो जो विद्यार्थी है डरते 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 अंदर आया। मैंने कहा बेटा बैठो, वो बैठे ही नहीं। मैंने फिर जबरदस्ती उसको बैठाया, पूछा बड़े प्यार से कि बेटा ये बताओ कि तुमको क्या हुआ है। काफी पूछने के बाद उसने बताया, सर आप जानते हैं मैं फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, आज से 3 हफ्ते पहले फलाने फलाने सर ने क्लास के 80 बच्चों के सामने, स्कूल में एक क्लास में 80-80 बच्चे होते थे, या सरकार से अनुमति ना होते हुए भी 80-80 बच्चे थे, क्योंकि शहर का सर्वोत्तम स्कूल था उस जमाने में। उसने कहा कि सर उन 80 विद्यार्थियों के सामने फलाने सर ने खड़ा करके मुझसे कहा, तुम मूर्ख हो, उल्लू के पट्टे, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते, तुमको लगता है तुम फर्स्ट रैंक ले आओगे, अरे पास हो जाओ तो गनीमत है। उसने कहा कि सर सारे विद्यार्थियों के सामने मेरी उतर गई, विद्यार्थी लोग हंसने लगे, खासकर वे विद्यार्थी लोग जो मुझसे जलन रखते थे वे हंस दिए। सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सरेआम किसी ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए हैं और सड़क पर जाने को बोला। वहां से स्टार्ट करके उस विद्यार्थी को स्टेप बाय स्टेप रेस्टोर किया,
लेकिन एक दुख की बात बताना चाहता हूं। इन 3 हफ्तों में उसके मन को इतनी क्षति पहुंच चुकी थी कि उसको सामान्य होने में काफी समय लगा। मैं उसके बाद इस घटना के बाद लगभग 3 साल और उस विद्यालय में रहा था। 3 साल कंप्लीट होने के बावजूद वो विद्यार्थी सामान्य नहीं हो पाया। हाँ, मैंने उसका जो मनोरोग चिकित्सक है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके एक एक करके उसकी सारी दवाएं अगले 3 से 6 महीने में हटवा दी, लेकिन वो बच्चा कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। एक होनहार बालक जिसको क्लास में अन्य विद्यार्थियों के सामने खड़े करके शब्दों से जिसके ऊपर प्रहार किया, उन शब्दों ने उसको मार डाला। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन बार बार ये बात याद दिलाता है कि शब्दों के द्वारा, शब्दों के प्रहार के द्वारा हम दूसरों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन उसे वर्जित करता है, ऐसा प्रहार करने को वर्जित करता है। पुराने नियम में जब यह आज्ञा दी गई थी तब उसका विस्तार प्रभु के वचन में नहीं दिया गया है, मतलब निर्गमन 20 में, लेकिन जब हम आगे को पढ़ते हैं, खासकर भजन में, अय्यूब में, भजन में, नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं, तब तुम खून न करने का विस्तार हमको वहां पर कई जगह मिलता है, जो इस बात को बताता है कि खून सिर्फ गोली मार के एक व्यक्ति के प्राण लेने से ही खून नहीं होता है, बल्कि अन्य किसी एक व्यक्ति को नष्ट करने के 1000 तरीके हैं। और यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो उसके पास 1,00,000 तरीके होते हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं है वो भी यदि प्रभु के वचन के समक्ष बैठकर अपने आप को ना जांचे तो जाने या अनजाने वो दूसरों के जीवन को नष्ट कर सकता है और करता है। ये मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ होता है, इसको अच्छी तरह से पहचाने। एक और उदाहरण मैं उसी स्कूल से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल विषय है और जब तक किसी व्यक्ति को समाप्त करने के विभिन्न जो तरीके हैं उनको हम ना समझें तब तक अनजाने हम दूसरे पर प्रहार करते रहेंगे। मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ा, उस स्कूल का एक स्पेशल सेक्शन था जो मैं वहां अध्यापक था तब हम लोगों ने चालू किया था नवांकुर, जिसमें एक से एक स्मार्ट टीचर अपॉइंट किए गए थे। बेटा अच्छी तरह से पढ़ता था, मैं किसी मिनिस्ट्री के लिए वहां से महीने भर के लिए केरल आया। अचानक वाइफ का लेटर आया कि बेटा डिप्रेशन में चला गया है। पूछा, उन दिनों मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, पत्र के द्वारा ही सब कुछ होता था, इवन लैंडलाइन नहीं होता था। मैं 1990 से पहले की बात कर रहा हूं। तो पता चला कि ये चूंकि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है और ये दूसरों के समान बैठकर होमवर्क नहीं करता था, तो एक नई टीचर जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसको नहीं मालूम था कि ये मेरा बेटा है, बाकी सारे टीचर्स जानते थे, इस टीचर को ये नहीं मालूम था, इसने सीधे सीधे बेटे से कह दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो। परिणाम क्या हुआ, इस तरह से एकदम से सब बच्चों के सामने अपमान हुआ, बस तुरंत वो डिप्रेशन में चला गया। वाइफ का लेटर मिला, मैं केरल से एकदम से वापस नहीं जा सकता था, मैं महीने भर का क्लास लेने के लिए आया था,
मैंने तुरंत डायरेक्टली प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा कि इस तरह से एक नाटक हो गया है। प्रिंसिपल ने जब देखा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है तो प्रिंसिपल उसको सीधे मैनेजमेंट के पास ले गए। स्कूल के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था, सीधे मैनेजमेंट के पास ले गई। मैनेजमेंट का जो सेक्रेटरी था देख के हट पड़ा, जॉनसन के बच्चे के साथ यदि बदतमीजी हुई है तो दूसरों के बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। तुरंत उन्होंने सारे अध्यापकों को बुलाकर सबको इंस्ट्रक्शन दिया और उसके अगले दिन सारे अध्यापकों के लिए हफ्ते भर का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा कि किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करना है। इस टीचर को प्राइवेट में बुला के बताया गया कि तुमने बहुत गलत काम किया। नवांकुर, उस सेक्शन का नाम नवांकुर था, नवांकुर के जो तीन या चार स्थापक थे उनमें जॉनसन सर, जो हमारे बहुत प्रिय सहकर्मी थे, ये उनका बेटा है। उस टीचर को तब लगा कि गलती हुई है और उसके बाद उस टीचर ने बाकायदा आनंद को बुलाकर उससे प्यार किया, प्रोत्साहित किया, प्यार से बात की और स्थिति यह हो गई कि जब मैं केरल से महीने भर के बाद वापस आया तो वो कहने लगा कि ये मेरी सबसे अच्छी टीचर है। देखिए फर्क क्या है, टीचर तो वही थी, पहले भी वही महिला थी, बाद में भी वही महिला थी, लेकिन पहले बिना सोचे समझे एक बालक के नम्र हृदय पर शब्दों का प्रहार करने के द्वारा उस टीचर ने उस बालक को मार डाला था। उसी टीचर ने जब अपनी बोली बदली तो हमारा बेटा तो कहने लगा वो तो मेरी सबसे अच्छी टीचर है। व्यक्ति एक ही है, व्यवहार का फर्क है। एग्जैक्टली यही बात मैं सभी भाइयों बहनों को याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु का वचन बार बार हमको याद दिलाता है, हम मेल मिलाप से रहें, जीवन में सहन शक्ति दिखाएं, वाणी पर नियंत्रण रखें, बोलें तो ऐसा बोले जो दूसरे को प्रोत्साहित करता हो। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि तू खून न करना, तो बंदूक लेके किसी को गोली मारने या कि तलवार लेकर किसी का जड़ धड़ से अलग करना ही खून नहीं है, हत्या नहीं है। वहां पर विस्तार नहीं दिया हुआ है, लेकिन याद रखें प्रभु के वचन में बाकी ऐसे कई जगह है जहां इन चीजों का विस्तार दिया हुआ है। अब जरा पलटकर मैं और आप अपने जीवन को देखें, मेरे और आपके जीवन में हम अपनी जीभ का, अपनी वाणी का उपयोग किस तरह से करते हैं। मान लीजिए बच्चा आके पूछता है मम्मी मम्मी वो बाइबल कहाँ है। बच्चा तो बच्चा है, आप उससे यदि अडल्ट एक प्रौढ़ व्यक्ति के समान व्यवहार की प्रतीक्षा करेंगे तो आप हैं जो बच्चों के समान व्यवहार कर रहे हैं। बार बार आके पूछता है मम्मी वो बाइबल कहाँ है, बाइबल कहाँ। अरे देख जाके देखो, देख नहीं रहे क्या कि मैं व्यस्त हूं। एक बालक के हृदय पर चोट करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त है चार बार आप इस तरह से बोलेंगे या बोलेंगी तो बच्चा स्वयं आपसे दूर हो जाएगा। यहां पर जितने भाई बहन हैं मैं उनको याद दिला दी, ये सिर्फ माँ बाप और बच्चों के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए भी लागू है। आपकी छोटी बहन आके आपसे कुछ पूछती है, आपकी बड़ी बहन आपसे कुछ पूछती है, हो सकता है कि आप व्यस्त हो, लेकिन उस व्यस्त जीवन या उस व्यस्तता के बीच में यदि आपको इतना समय मिल जाता है, अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि ढूंढ लिया करो अपने आप, काहे को मेरा समय बर्बाद कर रही हो, काहे को मेरा सर खा रही हो। इतने वाक्य
बोलने के लिए आप आपको लगता है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन जब आप चिढ़ गए, इरिटेट हो गए, तो चार वाक्य बोलने के लिए समय निकल आया, जबकि आपको तो सिर्फ एक वाक्य बोलना था, फलानी चीज कहाँ है, अलमारी में रखी है या अलमारी के ऊपर रखी है, उधर वाले टेबल पर, एक वाक्य से जहां काम चल सकता था वहां ना केवल हमने चार वाक्य बोले, बिजी होने का ढोंग किया और उस व्यक्ति के दिल पर गहरी चोट पहुंचाई। प्रभु का वचन इसकी अनुमति नहीं देता है, बल्कि प्रभु का वचन इसको वर्जित करता है। जरा अपने व्यवहार को मैं और आप जरा अच्छी तरह से तलाश कर देखें, अब अच्छी तरह से हम किस तरह से एक दूसरे से बोलते हैं। ये जो व्यवहार है इरिटेट होकर एक दूसरे से बोलने का, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूं, पाश्चात्य समाज में तो बचपन से इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि पति से या पत्नी से किस तरह से बातचीत करनी है, और शादी से पहले कई चर्चस में बाकायदा 2 से 3 महीने काउंसलिंग होती है जिसमें बताया जाता है। भारतीय समाज में तो यह माना जाता है कि नर हो और मादा हो तो तुम शादी के लिए उपयुक्त हो, ऐसा नहीं है, और इस कारण शादी के बाद एक दूसरे के विरुद्ध इरिटेट होना भारतीय समाज में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। कारण क्या है? पति पत्नी से कितना भी बिगड़कर बोले वो तो जंजीर से बंधी है, गैर मसीही हो तो जो गैर मसीही धर्म उसको जो आज्ञा देता है कि पति के चरण को धोकर पियो, उस आज्ञा से बंधी हुई है। मसीही हो तो वो स्त्री उस आज्ञा से बंधी है कि जीवन भर मैं आपके साथ हूं, और इस कारण पति कुछ भी बोलने को या कुछ भी बोलने की अपनी आजादी समझता है। पत्नी भी सोचती है अब ये मुझे छोड़कर कहां जाएगा, डाइवोर्स तो देने से रहा, और इसलिए पत्नियां भी कई बार बढ़ चढ़ के पति को इरिटेट होकर जवाब देती हैं, अपमान करती हैं। ये भारतीय समाज में ये काफी ज्यादा देखा जाता है। एक बात बताइए, जिस स्त्री के साथ जीवन भर रहने का प्रण आपने किया है, आप अपनी जुबान से, कड़वी जुबान से यदि प्रत्येक दिन उसकी हत्या कर रहे हैं, नंबर वन आपकी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ, उस प्रण का क्या हुआ, नंबर दो ये आपने कभी सोचा है क्या कि आसमान में एक प्रभु है जो इन चीजों को देख रहे हैं, और उस प्रभु के वचन में स्पष्टतया कहा हुआ है, कहा गया है कि हम जो बोएंगे वो काटेंगे। तो यदि आप अपनी पत्नी से कड़वाहट के साथ बोलते हैं तो इस बात को याद रखें कि प्रभु देख रहे हैं, और आप जो बो रहे हैं वो 30 गुना 60 गुना या 100 गुना कल काटेंगे, शायद पत्नी के द्वारा नहीं काटेंगे, दफ्तर में काटेंगे कहीं ना कहीं। उसी तरह से पत्नियों को ये बात समझनी चाहिए कि आपसे यदि कुछ पूछा जा रहा है, यदि आपसे मदद मांगी जा रही है या कोई जानकारी मांगी जा रही है तो सही सही जवाब देने के बदले टेढ़े मुंह जवान यदि हम देते हैं तो आप अपने पत्नी पति की हत्या कर रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। और एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, कड़वा जवाब, टेढ़ा जवाब किसी व्यक्ति के दिल में
कटाव उतर जाए, इस तरह का कड़वा जवाब यदि किसी व्यक्ति को देना है तो ये तो कोई भी सड़क्षा व्यक्ति कर सकता है। ये बात मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यदि किसी को अपने पति या पत्नी को, या मैंने जो अन्य संबंध बताए हैं उन सब में भी ये लागू है, यदि सामने वाले को, यदि उसके दिल को छेद जाए इस तरह का कड़वा शब्द बोलना है, तो उसके लिए फिर पति पत्नी होने की कोई जरूरत नहीं है, एक घर के अंग होने की जरूरत नहीं है। सड़क छाप किसी भी लुच्चे या गुंडे को पकड़ लीजिए, उससे बोली कि चार शब्द कड़वे बोल दो, तो वो तो खुशी खुशी से बोल देगा। लेकिन सवाल यह है कि उसकी हैसियत में, प्रभु के सामने उसकी हैसियत में और मेरी और आपकी हैसियत में कोई फर्क है या नहीं? क्या मैं और आप सड़क छाप चालू लोग हैं जो गाली गलौच, कड़वे शब्द और दूसरे को हर्ट करने वाले शब्दों से अपनी बातचीत चालू करते हैं? हमारे ग्वालियर में तो जम के गाली गलौच चलती है, और मेरा दुर्भाग्य था कि लगभग 2 या 3 साल हमें ऐसे किराए के मकान में रहना पड़ा था जिससे लगी हुई गंदी बस्ती थी। वहां सुबह से शाम देशी दारू, गाली गलौच और मारपीट, और वहां स्त्रियां, पुरुष छोड़िए, स्त्रियां ऐसी गालियां देती थी कि कई बार मुझे लगा कि प्रभु बहरा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। कई बार ऐसा लगा कि कान जल गए। कड़वी बोल बोलने के लिए सभ्यता की जरूरत नहीं है, सज्जनता की जरूरत नहीं है। गंदी बस्ती के जो नाले, गंदी बस्ती के जो कीड़े हैं, जो घृणित प्राणी हैं, उस प्राणी का मन आपके अंदर होना पर्याप्त है। लेकिन यदि हमें ऐसी वाणी बोलनी है जो सामने वाले को स्वास्थ्य देती है, बल देती है और प्रोत्साहन देती है, तो उस गंदी नाली में रहने वाले के बदले हमें परमेश्वर के बच्चों के समान सोचना पड़ेगा। और इस कारण आज जो सुन रहे हैं उनको मैं फिर से याद दिला दूं, कई बार जब प्रभु का वचन एक स्टेटमेंट देता है तो खून न करना, तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हत्या के बारे में कहा गया है, मैं तो कभी हत्या करता नहीं हूं। लेकिन इसीलिए तो मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तब हमें डायरी, पेन, नोटबुक वगैरह के साथ बैठना चाहिए, जिससे एक बात जब हम पढ़ते हैं तब उसके द्वारा जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश को नोट करें। इस तरह से जब हम प्रभु के वचन से हमको जो प्रकाश मिलता है उसको नोट करने की आदत डाल देंगे, तो परिणाम ये होगा कि धीरे 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 जब एक और पोर्शन में पहुंचेंगे तब अचानक प्रकाश मिलेगा कि अरे, इसका संबंध उससे है। इस तरह से आपस में संबंध जोड़ते 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 जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि प्रभु के वचन में जो एक एक स्टेटमेंट कहा गया है उससे संबंधित कितने सारे स्टेटमेंट या कथन प्रभु के वचन में है, और इस कारण वहां जो बताया गया है उसका अर्थ ये भी है, उसका अर्थ ये भी है, उसका अर्थ ये भी है, उससे जुड़ा ये भी है, उससे जुड़ा ये भी है, और उससे जुड़ा ये भी है। क्या आपने प्रभु के वचन में जो पद है जो मृत्यु की ओर ले जाए जा रहे हैं उनको छुड़ा?
ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, नीति वचन को समय मिलने पर जरा नीति वचन को देख लें, नीति वचन चौथे अध्याय को देख लें। वहां प्रभु का वचन स्पष्टतया कहता है कि जो लोग डरते कांपते मृत्यु की ओर ले जाए जा रहे हैं उनको बचाओ। साफ है, हम में से कोई भी व्यक्ति यदि मान लो किसी को फांसी दी जा रही है तो हम उसको नहीं देखते, तो फिर ये मृत्यु की ओर जो ले जाए जा रहे हैं ये कौन लोग हैं? जो कांपते हुए अपने मृत्यु की तरफ जा रहे ये कौन लोग हैं? संसार में जो लोग हैं ये उनके बारे में है। इस संसार में पीड़ित लोगों की संख्या बहुत है, इस संसार में भटके हुए लोग बहुत हैं, इस संसार में भटकाए गए बहुत सारे लोग हैं। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है कि इस तरह से भटकने के कारण या भटकाए जाने के कारण या किसी व्यक्ति ने कटार के समान अपमान करता हुआ शब्द आपके दिल में उतार दिया है तो वो व्यक्ति निराशा की ओर मृत्यु की तरफ जा रहा है। उसको प्रभु का वचन कहता है उसको पकड़कर मृत्यु से बचाओ। प्रभु का वचन जरा आगे पढ़ें। आज मैं जानबूझकर उस पद को आपके सामने नहीं रख रहा क्योंकि मैं हवाला नहीं दे रहा, लेकिन मैंने इतना बोल दिया, नीति वचन चार को देख लें। प्रभु का वचन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि कोई भी आज्ञा दो हम 50 बहाने बनाएंगे, इसलिए आगे लिखा हुआ है यदि तू कहे कि मृत्यु की ओर कौन अग्रसर था तो एक बात ना भूलना, जो दिल को तौल कर देखता है वो इस बात को जानता है कि तूने ऐसे लोगों को बचाने से इनकार क्यों किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हत्या के तौर तरीके बदल गए हैं, 50 तरीके से लोगों की हत्या हो रही है, जिसमें से एक है कठोर वाणी, दूसरी है गंदी वाणी, तीसरी है सामने वाले को निराश करने वाली वाणी। 50 तरीके से हम दूसरों की हत्या कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मेरी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई, लेकिन एमएससी करने के बाद मुझे समझ में आया कि बिना अंग्रेजी के मेरी जो बुलाहट है उस क्षेत्र में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इस कारण बहुत ही कठोर मेहनत के द्वारा लगभग 3 साल में, अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा, दूसरों की मदद से मेहनत की, 3 साल में अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे माँ बाप की जो भाषा है मलयालम, वो तो मैं जानता ही नहीं हूं, बस थोड़े बहुत शब्द बोल लेता था, लेकिन मैं उस भाषा को नहीं जानता था। यह मैं 1980 की बात बता रहा हूं। मैंने तुरंत ये डिसाइड कर लिया कि अंग्रेजी पिकअप कर ली है, अब मैं इस भाषा को भी पिकअप करूंगा। एक भाई ने जब ये देखा कि मैं मलयालम सीखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझसे बोले, अरे मूर्ख हो, 27 साल के हो गए हो, अब एक और भाषा सीख के क्या करोगे। वो हर दिन मुझे उससे हमेशा उसके विरुद्ध बोला करते थे। मनुष्य जब अपने से बड़ा कोई बोलता है और एक ही चीज को जब 50 बार बोलता है तो उसका असर होता है। परिणाम यह हुआ कि 1980 में मैंने उस भाषा को सीखना बंद कर दिया। 1993 में जब मुझे तीसरा स्ट्रोक हुआ
और जब मैंने मेरे डॉक्टर ने कहा कि तू ग्वालियर छोड़ के चला जा, यहाँ की गर्मी और ठंड अगले स्ट्रोक के साथ तुझे मार डालेगी, तो एक अच्छे क्लाइमेट के प्रदेश में आया मैं, वो है केरल। क्या हुआ, केरल आ गया, यहां पर सारी सेवा शुश्रूषा होती है मलयालम में। आते ही मैं एक कन्वेंशन अटेंड करने गया, तो उन्होंने जब देखा कि अरे जॉनसन फिलिप आए हैं, उन्होंने कहा कि आइए ब्रदर आप प्रार्थना कीजिए। मेरी नानी मर गई, क्योंकि मैं तो मलयालम में, प्रार्थना छोड़िए, मैं तो मलयालम ढंग से उस समय चार वाक्य नहीं बोल पाता था। 26 साल हो गए मुझे इस प्रदेश में। चूंकि मैं एक उम्र के बाद केरल आया था, इस कारण सामान्य तरीके से बोलने के लिए मुझे 10 साल लगे। यदि उस भाई ने मुझे निराश नहीं किया होता, तो चूंकि मेरे माँ बाप की भाषा है, इसलिए यदि अंग्रेजी में 3 साल में मास्टर कर लिया मैंने, तो ये तो 2 साल में मास्टर कर देता। लेकिन 10 साल मुझे लगे मलयालम भाषा का बेसिक सीखने में, और 15 साल के करीब लगा धारा प्रवाह बोलने में, जो मैं 2 साल में कर सकता था, और जिससे भविष्य में मुझे बहुत फायदा होता, नहीं हुए। एक व्यक्ति ने मुझे निरुत्साहित किया। इसलिए एक बात और बता दूं, मैं आज प्रभु के दया से मलयालम में बाकायदा किसी भी विषय पर क्लास लेता हूं। बाइबल एवं विज्ञान से लेकर उपदेश तक के सारे विषयों पर क्लास लेता हूं। मलयालम में शादियां करवाता हूं, मलयालम में फ्यूनरल में संदेश देता हूं। लेकिन आज भी मैं अपने माँ बाप की जो भाषा है मलयालम, उसमें प्रार्थना नहीं कर पाता। क्यों? प्रार्थना दिल की भाषा है। यदि जब मैं 27 साल का था, उस समय मैंने मलयालम सीख ली होती, तो आज मैं धारा प्रवाह सब कुछ कर रहा होता। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे निरुत्साहित करने के द्वारा मेरी जो भावी सेवा शुश्रूषा थी, उसकी हत्या कर दी। आज प्रभु ने हमको ये मौका दिया। ये एक ऐसा मौका है जब हमें अपने आप को जांचना चाहिए। कई जीवन के कई क्षेत्र हैं जहां मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को जांचें। नंबर 1, माँ बाप। आज जो माँ बाप प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आपका बच्चा आपसे कोई छोटी सी बात पूछ रहा है, बच्चा है पूछेगा, बच्चा है वो अज्ञान है, आपको मालूम है कि बाइबल फलाने जगह रखी है, बच्चे को नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। उस बच्चे को जब वो पूछता है, तब यदि आप झुंझला के जवाब देते हैं, वो 4 बार सुनेगा, लेकिन 5वीं बार नहीं सुनेगा। क्यों? वो आपसे पूछना बंद कर देगा। मम्मी से कुछ भी पूछो, उल्टा सीधा जवाब देती है। पापा से कुछ भी पूछो, उल्टा सीधा जवाब देती। वो बच्चा आपसे पूछना बंद कर देगा। बच्चे के और आपके बीच में जो संपर्क होना चाहिए, प्रेम भरे शब्दों का जो आवागमन होना चाहिए, उसको आपने सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। आपसी संबंधों की आपने हत्या कर दी, खून कर दिया, जरा सी लापरवाही के कारण। यहां जो भाई बहन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी बड़ी बहन, बड़ा भाई तुमसे कुछ पूछता है, और यदि तुम झुंझला के जवाब दोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे पूछना बंद कर देगी, और वो तुम्हारे लिए जीवन में सबसे बड़ा नुकसान होगा।
क्योंकि प्रभु ने परिवार में हमको एक साथ इसलिए रखा है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। उसी तरह से जो बड़े भाई और बड़ी बहन ये सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन तुमसे कुछ मांगती है, भले ही तुमको कुछ असुविधा हो, इस बात को याद रखना कि उस बच्चे का दिल नहीं दुखाना है। मैं एक बात बता दूं, कोई पड़ोसी आके तुमसे वही चीज मांगे, तुम 50 बार वो काम करोगी। कई बार हम गैरों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, अपनों की उपेक्षा करते हैं, ये भी हत्या है। जो माँ बाप है मैं उनसे याद दिलाना चाहता हूँ, जो पति पत्नी है उनको याद दिलाना चाहता हूँ। शादी के साथ साथ पति हमेशा हमेशा के लिए पत्नी से बंध गया, पत्नी हमेशा हमेशा के लिए पति से बंध गई। इस कारण हम बिना सोचे समझे कई बार लापरवाही से अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही कड़ा बोलते हैं, बहुत कड़ा बोलते हैं। बल्कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, चंबल इलाका, बल्कि सारे उत्तर भारत में पुरुषों को बचपन से ये शिक्षा दी जाती है कि बीवी को जूते की नोक पे रखो। और ये कॉमन स्टेटमेंट है कि भाई क्यों, कैसा चल रहा है, जूते की नोक पे रखता हूं मैं उसे। जैसे कि आपने एवरेस्ट पर विजय पाली हो, जरा ये तो देखिए कि प्रभु का वचन इस विषय के बारे में क्या कहता है। कई बार बहनों से पूछते हैं तो वो कहती हैं कि अरे मेरी इच्छा के बिना इस घर में पत्ता नहीं हिल सकता है, मेरी इच्छा के बिना पति ने कुछ किया तो नाक में दम कर दूंगी, सारे अड़ोस पड़ोसियों को बता दूंगी। इस तरह के व्यवहार को संसार प्रोत्साहित करता है। लेकिन इस बात को याद रखें, मेरे और आपके लिए जो मार्ग निर्देशन है वो संसार से नहीं, प्रभु के वचन से मिलना चाहिए। वो संसार से पिकअप नहीं करना, प्रभु के वचन से पिकअप करना है। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं समाप्त होने से पहले, और वो है मंडलियों के अगुए लोग। मंडली के अगुए लोग जब मंडली के युवा भाइयों से, युवा बहनों से, अन्य विश्वासियों के साथ बात करते हैं, तो उस वार्तालाप के द्वारा उनकी हत्या ना करें। करते हैं क्या? बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कैसे करते हैं? प्रभु ने मदद की तो ये हम अगले हफ्ते पिकअप करेंगे और वहां से इस विषय को समाप्त करेंगे, क्योंकि इस विषय के और भी 2-3 पहलू हैं जो आज मैं नहीं बता पाया। लेकिन आज जो मैंने बताया उसका सारांश फिर से बता दूं, तू खून न करना या हत्या न करना जो प्रभु का वचन कहता है, तो उसका जो विस्तार है वो लेवी लोग प्रजा को समझा देते थे। आज हम जब उसको पढ़ते हैं तब ये लेवी लोग प्रभु की प्रजा को जो समझाते थे वो समझने के लिए हमें पुराने नियम की पुस्तकों में से खासकर अय्यूब, भजन और नीति वचन का पढ़ना जरूरी है। नए नियम में रोमियो से लेकर यहूदा की पत्री तक पढ़ना जरूरी है, तब समझ में आएगा कि जब प्रभु का वचन कहता है तो खून न करना, तो सिर्फ एक व्यक्ति को गोली मार के उड़ाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि जैसे जैसे मनुष्य संस्कृति बढ़ती चली जा रही है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे दूसरे की हत्या के 1000 तरीके मनुष्य ईजाद कर रहा है। इवन हमारा कल्चर जो याद दिलाता है कि बीवी को जूते की नोक पर रखना, वो हमारा जो कल्चर है वो आपके पारिवारिक जीवन की हत्या कर रहा है। और आप उस डॉक्ट्रिन को जब स्वीकार कर लेते तो आप अपने पारिवारिक जीवन की हत्या कर रहे हैं। तो इस कारण मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के वचन को हल्के से ना लें। प्रभु का वचन यदि एक बात कहता है तो उसके 1000 कारण हैं। ये 1000 कारण प्रभु के वचन में अन्यत्र दिया हुआ है।
उसका अध्ययन करें, उसके अनुसार अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि हम लोगों की आदत यह है कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए 50 तरह के न्याय ढूंढ लाते हैं। नहीं, प्रभु का वचन जो कहता है, प्रभु का वचन जो जीवित प्रबल और दोधारी तलवार है, वो जो कहता है उसको करना ना भूलें। प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम ये प्रण कर लें कि मैं अपनी जीभ खोलूंगा तो वो सिर्फ मेरे सामने जो व्यक्ति है सिर्फ उसको जीवन दान देने के लिए करूंगा, उसका जीवन हरण करने के लिए मैं नहीं करूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको अनुग्रह से भरपूर करें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।